प्रेम की एक आदत है, प्रेम टूटता नहीं है न तोड़ा जा सकता है। प्रेम न टूटता है न तोड़ा जा सकता है। भाव टूटते हैं, थोड़ा देर से टूटते हैं, जैसे पति पत्नी का भाव, बाप बेटे का भाव, भाई बहन का भाव टूट सकता है, टूटता है। हम आप कहानियों में जानते हैं कि तलाक होते हैं, झगड़े होते हैं, भाई भाई में मुकदमे होते हैं। भाव है, भाई का भाव है, पति पत्नी का भाव है, पिता पुत्र का भाव है, ये भी टूटता है, लेकिन वक्त लेता है, थोड़ा समय लेता है, देर से टूटता है। ज्यादा टांगी इसको पड़ेगी तब पेड़ गिरेगा, इसे नहीं गिरेगा, उखड़ेगा नहीं गेंदा के पेड़ की तरफ। विचार तो तुरंत टूट जाते हैं, बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। यही विचार प्रेम का रूप लेता है। सामान्य नियम यही है कि यही विचार प्रेम का रूप लेता है, लेकिन विचार बड़े कमजोर होते हैं। आपको थोड़ा सा कष्ट हो जाए, कहिएगा मारा मुंह के महादेव गुरु की बन छोड़ा। देखिए विचार में है टूट रहा है, भाव में होगा कहेगा क्या ऐसे ही दुनिया में दुख तकलीफ होता है साला, चलो महादेव मेरे गुरु हैं। भाव टिकेगा थोड़ा, प्रेम तो सुनेगा ही नहीं। वो मंसूर को कत्ल कर दीजिए, नहीं सुनेगा। मीरा को जहर दे दीजिए, छोड़ के द्वारिका चली जाएगी, नहीं सुनेगी। ईसा को सूली पे चढ़ा दीजिए, नहीं सुनेगा। सुकरात को जहर दे दीजिए, नहीं सुनेगा। प्रेम नहीं सुनता है, न लैला सुनती है, न मजनू सुनता है, न शीरी सुनती है, न फरियाल सुनता है, न हीर सुनती है, न राजा सुनता है, कोई नहीं सुनता। अध्यात्म की दुनिया में प्रेम के गीत गाए गए हैं। हमने कहा ये प्रेमवा हम लोग कहाँ से लावे, ये विश्वास हम लोग कहाँ से ले आवे, से न बता दीजिए भाई साहब। साला हमको पैसा से प्रेम है, हमको दुनिया अच्छी लगती है, हमको अपना बेटा अच्छा लगता है, घर अच्छा लगता है, प्रतिष्ठा अच्छी लगती है, ये महादेव अच्छा कैसे लगेगा, ये तो हमको समझिए में नहीं आ रहा। और विश्वास तो हम लोगों को है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे हम लोग। धरती पर विश्वास हम लोग कितना देते हैं सोचिए तो जरा, तुरंत तुरंत विश्वास हम लोगों का टूट जाता है, विश्वास है ही नहीं। हमने कहा चलो गुरु के पास, वो जो महादेव है वो गुरु भी है, वो ज्ञानी भी है, दानी भी है। अब तक तुमने दानी महादेव से लिया है ना, दान का कोई महत्व नहीं है जब तक ज्ञान नहीं हो। हमको आप ये माइक्रोफोन दान में दे दीजिए, साला हमको इसको जो ऑपरेट करने आता ही नहीं है तो भलाई हो जाएगा। अगर ढेर गलती करेंगे तो मारेगा करंट, ब्लूम से उड़ जाएंगे। देखिए दान तो दिया माइक, ज्ञान नहीं दिया, खत्म हो गया। हमने कहा कि महादेव दानी है, अघोरेश्वर है, ओढ़र दानी है, आप सब कुछ लेते हैं, हम आप सब कुछ लेते हैं उनसे, ज्ञान का ही नहीं लेते हैं भाई साहब, इसमें क्या आपको दिक्कत हो रही है, इसे बताइए। हमने कहा उस शिव को अपना गुरु बनाइए, वो गुरु है, वो गुरु है। आप शिष्य की मानसिकता में जाइए, उसको अपना गुरु बनाइए, वो ज्ञान देगा। बिना ज्ञान के तो धरती पर कोई काम नहीं हो सकता है। अगर अपार धन भी हो आपको तो वो भी नष्ट हो जाएगा अगर बुद्धि ना हो, ज्ञान नहीं हो, विवेक नहीं हो। गुरु के पास चलिए, और गुरु के पास जाने के लिए विश्वास की जरूरत नहीं है। विश्वास हम लोगों को था स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर पर, बहुत कम विद्यार्थी हम लोगों में होंगे जो मास्टर साहब को भगवान समझते होंगे। मास्टर साहब आ गए, खुशी 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 हो गई, जैसे आप आए मैं बहुत खुश हुआ। ऐसा हम लोगों के साथ हुआ है कि स्कूल गए हैं तो बड़ी खुश होकर जा रहे हैं स्कूल, मने मन मना रहे हैं कि स्कूल बंद हो जाए, हेडमास्टर को कुछ हो जाए, मास्टरवा को कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। मनाते थे कि नहीं मनाते? विश्वास कहाँ, श्रद्धा कहाँ, पूरी अश्रद्धा, पूरा अविश्वास। क्यों क्यों ऐसा था? इसीलिए कि बच्चे नटखट होते हैं, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, उनको जब पकड़िएगा तो वो रोएंगे, छटपटाएंगे, हल्ला करेंगे। बच्चा मम्मी को कहबे करेगा दूसरे दिन कि मम्मी मेरा पेट दुखा रहा है, हम स्कूल नहीं जाएंगे। उसका पेट नहीं दुखा रहा, झूठ बोल रहा है, स्कूल नहीं जाने का मन है उसको। देखिए कोई विश्वास नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं है उसको। वो क्या जानता है कि पढ़ के हम कलेक्टर बनेंगे? उसको क्या पता है कि कलेक्टर कलर को क्या होता है? वो क्या जानता है? वो बेचारा बेमन से स्कूल जाता है, बाप के डर से, माई के डर से, भैया के डर से, दीदी के डर से, पड़ोसी के डर से, जिससे डरता डरता हो जाता है बेचारा। अब मुंह बना के स्कूल से आता है, धीरे धीरे वो अध्यापक उसके मन में
अध्ययन के प्रति अभिरुचि जगाते हैं, पढ़ाई से प्रेम जगाते हैं, वो मास्टर का काम है। शिक्षक का क्या काम होता है? वो विद्यार्थी को अध्ययन के प्रति अभिरुचि जगाते हैं, क्योंकि उस विद्यार्थी को अभिरुचि है खेलने से, कूदने से। बच्चा है वो तो करेगा ही करेगा। शिक्षक का काम क्या है? वो उसके मन में अध्ययन के प्रति अभिरुचि जगाते हैं, पढ़ाई से प्रेम का जागरण करते हैं कि पढ़ाई से ही प्रेम करे, ताकि खुद बखुद ही बैठ के पढ़ेगा। राजा राम मोहन राय की तरह म्युनिसिपैलिटी के लैंप पोस्ट में पढ़ा करते थे, वो उस तरह से पढ़ेगा, इसको प्रेम तो जगे पढ़ाई से। ठीक वही बात आध्यात्म की दुनिया में भी है। बढ़िया गुरु होगा, वो जानता है कि धरती है, जीव है, ये जगत के आकर्षण में रहेगा ही रहेगा, ये मेरे पास नहीं आना चाहेगा, इसको इसके गार्जियन, गार्जियन मने हम लोगों का वही गुरु भाई साहब आप लोग, इसको इसका गार्जियन पकड़ के जबरदस्ती भेजेगा, चल महादेव के गुरु माना, जल्दी माना, जल्दी माना, महादेव के गुरु माना। देखिए आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं उसके गार्जियन की तरह स्कूल जाने के लिए। वो गुरु समझता है कि जो मेरा शिष्य बना है वो शिष्य अभी नहीं बना है, वो तो मन ही मन हमको गाली दे रहा है कि मास्टर वाके कुछ हो जाए ताकि छुट्टी हो जाए। हम आप भी ऐसा ही करते हैं, मन नहीं लगता है, शिव क्यों अच्छे लगेंगे, दुनिया अच्छी लगती है, हमारा आपका स्वभाव है और शिव ही ऐसा चाहते हैं, तो हम आप क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे वह शिव शिव के प्रति प्रेम जगाता है, वह शिव गुरु शिव के प्रति प्रेम अपने शिष्य में जगाता है। खाली प्रेम के जागने भर की देर है भाई साहब, फिर तो आप कंट्रोल नहीं होइएगा। न मीरा को उसका राजघराना कंट्रोल कर सका। मीरा जब की शादी के 6 साल बाद उसका पति राणा सांगा के साथ मारा गया, उसके पिता मारे गए, बाद में उसका देवर भी मारा गया, उसके परिजन राजा बने, रोकना चाहा मीरा को। रैदास की शिष्या थी वो, झोपड़पट्टी में जाके बैठ जाती थी। कहानी है कि जहर दिया गया, मीरा महल छोड़ के चली गई, छोड़ दिया उसने जगह। मीरा को कहाँ कोई रोक पाया, मंसूर को कोई रोका गया? मंसूर के गुरु उसको कहते रह गए, देखो मंसूर तुम जो बातें बोलता है ना, तुम अपने भी कत्ल होगा, हमको भी कत्ल कराएगा। मंसूर कहा करते थे, उस्ताद हम बोलें तब ना बंद हो जाए, हमारे भीतर कोई बोलता है तो हम क्या करें। तो गुरु ने कहा कि तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है मंसूर, तुम जो बोल रहे हो ना खुदा के बारे में, तुम भी कत्ल होगे, हमको भी कत्ल कराओगे। और मंसूर हमेशा कहते थे कि उस्ताद हम बोलें तब ना चुप हो जाए, मेरे भीतर तो कोई बोलता है। हुआ भी वही, मंसूर को सजा दी गई। तो जब शिव से प्रेम जग जाएगा, ये काम गुरु का है, ये काम गुरु का है। शिक्षक का काम है कि विद्यार्थी के मन में अध्ययन के प्रति अभिरुचि जगाए, पढ़ाई के प्रति प्रेम जगाए, यह काम भी गुरु का है। आपके जो भी गुरु हो, शिव गुरु हैं, उनका काम भी यही है कि आपके मन में शिव के प्रति वो प्रेम जगाए। इट इज हिज ड्यूटी, उनका ये फर्ज है, उनका ये दायित्व है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग स्कूल बेमन से जाते हैं, हम लोग महादेव को बेमन से गुरु माने। आप तो बहुत मन से माने हैं भैया, हमारा लक्षण आप में नहीं है, ये हम देख रहे हैं। आप जितने प्रेम से आते हैं प्रोग्राम्स में और जिस तरह से शालीनता से आके बैठते हैं और जाते हैं, भैया हमसे नहीं पार लगता, हम आप बड़ा उदंड लड़का थे। मैंने आज आप लोगों को इस हॉल में देखा तो मेरी आंख भर आई कि सोचिए 1991 कितना साल हुआ, बहुत साल तो बीता नहीं, 91 में पहला महोत्सव हुआ था गढ़बरवारू में, सुपौल जिले में। 13 आदमी थे हम लोग, ओनली 13, 13 आदमी थे बस। लोगों ने माइक लाया कि चर्चा होगी, पहला महोत्सव हो रहा है। हम लोग नाम दिया था पहले पहले यही शिव महोत्सव, शिव गुरु महोत्सव। हम गए रे ससुराई, माइकवा का है ला, 13 आदमी में ले आया है, क्या सुनेगा? 13 आदमी को तो जोर से बोलेंगे तो साला ऐसे ही पार कर जाएगा, जरूरत क्या है 13 आदमी माइक की, क्या जरूरत है? माइक मैंने हटवाया, वही लाश शमशान में प्रोग्राम हो रहा था, लाश जो जलती है उसी की लकड़ी पर चाय बनाए हम लोग, चाय पिए उसी पर। हाँ देवाशीष ने तो क्या किया कि वो जो
जलने के बाद वो मिट्टी वाला घड़ा में पानी नहीं राख के ऊपर लोग छींटता है आ घड़वा वहीं छोड़ देता है, उसी में देवाशीष बोले कि सर इसी में चाय बनना चाहिए। हम कहते हम बनाओ उसी में बनाओ।